दोस्तों साल 1885 में कांग्रेस गठन का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। उन्होंने नींव रखी कांग्रेस की। देश की आजादी के संघर्ष से जुड़े सबसे मशहूर और जाने माने लोग इसी कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी नेहरू से लेकर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद तक आजादी की लड़ाई में आम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1857 के गदर के वक्त इटावा के कलेक्टर थे। ह्यूम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में पद से अवकाश लेकर कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई थी। योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। आजादी के बाद 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 1977 तक देश पर केवल कांग्रेस का शासन था। आजादी के बाद कांग्रेस कई बार विभाजित हुई। करीब 50 नई पार्टियां इस संगठन से निकलकर बनी। दोस्तों ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।